नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। लगातार शहाबुद्दीन के समर्थक जो है वो मांग कर रहे थे कि शहाबुद्दीन के शरीर का पोस्टमार्टम होना चाहिए और काफी मशक्कत के बाद जो है ये फैसला ले लिया गया है कि शहाबुद्दीन के शरीर का पोस्टमार्टम होगा और इस पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी जो है वो भी की जाएगी। मगर तस्वीर आई DDU अस्पताल के बाहर से, जहां पर समर्थक जो है वो पुलिस वाले को कह रहे हैं कि एक एक को बिहार उठा करके ले जाएंगे। आप पूरे इस वीडियो के देखिए किस तरीके से समर्थक जो है वो इंतजार कर रहे हैं शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर के लिए, और वहां पर पुलिस और समर्थकों के बीच बहस जो है वो भी हो रही है। जितने लोग हैं दीनदयाल उपाध्याय पहुंचे हैं, यहाँ पे लफड़ा हो गया। आप यहाँ भीड़ नहीं रोक सकते हैं। ये बहुबली शहाबुद्दीन है, कोई आम आदमी नहीं है। एक एक आदमी को चुन के बिहार ले जाएंगे हम लोग, एक एक आदमी को उठा ले जाएंगे। एक बंदा नहीं रहेगा। वर्दी का धौंस नहीं देखा, ये वर्दी का धौंस सब पिछवाड़े में घुस जाएगा। ये बहुबली शहाबुद्दीन को मारे हैं आप लोगों ने, आप लोग हत्यारे हो। बताइए, कोई आम आदमी थे वो? ये देखिए, हम लोग जद्दोजहद में हैं। एक सांसद मरा है, हम लोगों का कैद मरा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? जब जिंदा ही शहाबुद्दीन साहब जेल से छूटे थे, 1500 गाड़ियां गई थी, अभी यहाँ 15 लोग मौजूद है बस। कहाँ है सिवान गोपालगंज छपरा के लोग? पुलिस बल उतारा गया है, जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि लाश आपको नहीं हैंड ओवर किया जाएगा, ना लाश आईटीए जाएगी और ना ही शाहीन बाग जाएगा, बल्कि अपना मनमाना कर रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का पॉलिटिकल मदद नहीं है। बिहार को रिप्रेजेंट करने वाला, बिहार के पूरे आवाम को रिप्रेजेंट करने वाला जो आज उसकी बड़ी यहाँ पे लवारिस पड़ी हुई है और हमारी मदद नहीं की जा रही है। ये तेजस्वी यादव, याद रखना, तुम्हारी कबर सिवान में खुद जाएगी। तेजस्वी यादव तुम याद रखना, राजद वाला तुम याद रखना, तुम्हारी कबर सिवान में खुद जाएगी, तुम्हारी कबर सिवान में खुद जाएगी। आज हम तड़प रहे हैं यादव, आज हमारा दिल रो रहा है। बचपन से आज तक हमने राजद का गुणगान गाया है। हमारे साहब ने कहा था कि हम लालू यादव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव याद रखना, अब तुम्हारी कबर खुल जाएगी। ये बेटा दिख रहा है, ये साहब का बेटा दिख रहा है ना, साहब ने अपना शेर छोड़ के गए हैं, अपना शेर छोड़ के गए हैं। अभी ये बेतना बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन याद रखना तेजस्वी यादव, तुम्हारी कबर खुदेगी, सारे साजिशकर्ताओं की कबर खुदेगी। रखना, आज बहुत रोना आ रहा है, दिल रो रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के लिए कोई मदद यहाँ नहीं पहुँच रहा है। शहाबुद्दीन साहब के लिए हमें रोना और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है। ये तेजस्वी यादव तुम याद रखना, तुम्हारी कबर खुदेगी। सिवान से ही तुम्हारा स्टार्ट हुआ, तुम्हारा खात्मा स्टार्ट होगा। तुम बहुत बड़ी गद्दारी किए हो। हम यहाँ तड़प रहे हैं पॉलिटिकल मदद के लिए, किसी भी तरह का राजनीतिक मदद नहीं है। ना असदुद्दीन, ना असदुद्दीन, ना ओवैसी का मदद है, ना तेजुद्दीन अजमल का मदद है। जुल्म कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आ रहा है। अरे सरकार मोदी और अमित शाह, तुम लोग भी सुन लो, अल्लाह अल्लाह से बड़े तुम नहीं हो। अल्लाह कहर भेजेगा और पूरा दम बिल्कुल तुम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। अल्लाह से तुम नहीं बचने वाले लोग। प्लीज प्लीज आप लोग बनाया जा रहा है, हम बहुत पॉलिटिकल किया जाए, मदद पहुंचाया जाए। पुलिस बल और प्रशासन जबरदस्ती उतारा गया है। ये साहब छोड़ के यहाँ पे गए हैं।